बाजी आज आपके मैदान से तीन शेर आ रहे हैं, ठोको ताली वाले नहीं, हाँ दूसरे क्रिकेट वाले। ओ मैं आप सबको बता दूं, एक तो वो धमाकेदार बल्लेबाज हैं जो चौको शक्कों में बात करते हैं, और बाकी दो कमाल के ऑलराउंडर हैं, बल्ले से आतिशबाजी तो करते करते हैं, गिल्लियां भी उड़ा देते हैं, ठोको कर देते हैं ठोको। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा धमाकेदार बल्लेबाज शिखर धवन और ऑलराउंडर सुरेश रैना एंड हार्दिक पांड्या। आप तीनों का हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियां। और चारों हमारी जो बहु बेटियां आई हैं पूरे आईपीएल में, ये बहुत नाची हैं बेचारी, आज यहाँ पे भी थक गई हैं। गर्ल्स पेमेंट ओके डन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गर्ल्स। जी बाजी, छक्के छुड़ा देते हैं, गेंदबाजों के धज्जियां उखाड़ देते हैं, ये जो जमीन से शॉट मारे आसमान फाड़ देते हैं, खेलते हैं देश की आन बान शान के लिए ये हीरो, और अपने जोशो जनून से जीत का तिरंगा गाड़ देते हैं। वाह हार्दिक, शिखर, सुरेश, आप तीनों को आपकी तमाम अचीवमेंट्स के लिए ढेर सारी मुबारकबाद। और आपकी टीम तो अभी भी आईपीएल फाइनल जीती है, अभी मुझे ऐसे ही लग रहा है जैसे पार्टी से ही आ रहे हैं आप। आइए, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज वेलकम। अरे मैं ऐसे ही क्यूरियोसिटी से की पूछ रहा था, मैंने कहा जैसे ये अंबानीज वगैरह के घर में पार्टी होती है, नॉर्मल सब्जियां होती है कि डायमंड करी वगैरह बनाते हैं ये लोग? होता है कभी? नहीं, कभी लगती है, उनका चम्मच का कलर भी गोल्डन है, तो कभी कभी क्वेश्चन खुद हो जाता है कि एक्चुअली सोने की तो नहीं है ना। वो भी बहुत बार होता है कि एक डाल दो और फिर चलो बोलते चलो थैंक यू सो मच बनाने के लिए। नहीं, पर मुझे सिद्धू भाजी एक बार कह रहे थे, कहते हैं गुरु ये जो अंबानीज है ना, इनके घर में जो पनीर काठी रोल होता है वो भी 500 के नोट में बनता है, पता नहीं ये सच्चा है कि नहीं सच्चा। अच्छा नहीं, ऐसे ही भाजी रैना ने क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट जो हैं, 2020 हो गया, वनडे हो गया, टेस्ट, उसमें सेंचुरीज मारी हैं। और वीरू भाजी के बाद अगर कोई ओपनर आया है जो सबसे ज्यादा बॉलर्स को ठोकता है वो है शिखर, और हार्दिक तो ऑलराउंडर है ही। अच्छा आपने लेकिन जब शुरुआत की थी अपने करियर की भाजी, आप दोनों तो पहले पहले मैच में 0 पे आउट हो गए थे, उस समय आपने कभी सोचा था कि आपको एक ऐसे महान क्रिकेटर के सामने बैठने का मौका मिलेगा जो खुद 1990 में आउट हुआ? वो एक आध मैच में होता है, फिर क्या हुआ इसके बाद तो अपने। अबे तेरा मेरे जीरो ही दिखते हैं, तुझे 100 नहीं दिखते मेरे। नहीं मैं याद रख, जीरो मैथमेटिक्स का हीरो है जी। 10 के इधर लगा दिया तो कुछ नहीं, लेकिन 10 के आगे लगा दिया तो 99 का फर्क डाल देता है, समझा? छोटी छोटी चीजों का बड़ा फर्क पड़ता है। किसी अप्सरा की गाल पे छोटा सा तिल हो ना, उसकी सुंदरता को चार चार बात करता है। तो हमने तो देखा नहीं ज्यादा अप्सरा को करीब से, इसलिए आइडिया नहीं है। मैं तो स्वर्ग का टिकट कटा रखा है, रोज ही मिलता हूं उनको, हेलो अप्सरा हाउ आर यू। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, मिसेस शिखर धवन भी यहाँ पे हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया से हैं, और इनका बड़ा ही प्यारा बेटा जोरावर भी छोटा बैठा हुआ है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, पता है मेरा पापा स्टार है, मुझे क्या लेना देना। अच्छा सबको पता है कि शिखर को गब्बर बोलते टीम में, कभी हमने सुरेश भाई आपसे पूछा नहीं, ना हार्दिक आपसे मुलाकात है आज पहली बार हो रही है, आपको क्या किस नाम से बुलाते हैं टीममेट्स? सर सोनू है मेरा नाम, तो निकनेम। सुरेश रैना लगता है कि जब आते हैं सुरेश रैना धड़ाधड़ बल्लेबाजी करें, सोनू लगता है कि सोनू आया है, सोनू तो स्वीट सा है सोनू, अच्छा बड़ा क्यूट है। और हार्दिक आपको क्या बुलाते हैं? टीम में तो काफी सारे नाम है, लेकिन एक मुझे जो पसंद है जो बुलाते हैं वो हैरी है, जो वो थोड़ा लगता है कि हाँ ठीक है, बाकी तो ऐसे नाम है कि नहीं बोल सकता मैं यहाँ पे। शिखर आपको इसलिए तो नहीं गब्बर बुलाते कि आप ये जो आईपीएल की बसंतियां होती जो अभी 4 आपके साथ भी आई थी, ये बड़ा नाचती हैं जब आप चौके छक्के मारते हो, इन्होंने कभी बोला नहीं भाई थोड़ा आराम से किया करो हमारा भी? गब्बर मेरे को इसलिए बुलाते हैं क्योंकि जब मैं रणजी ट्रॉफी में खेला करता था, अभी भी खेलता हूँ रणजी ट्रॉफी, तो सिली पॉइंट पे बैठे होते हैं, अब दूसरी टीम की पार्टनरशिप लगी तो लड़के काफी डाउन हो जाते हैं उस वक्त, कोई आवाज नहीं निकाल रहा होता, तो हमारा टीम का रहता है कि भाई बोलते रहना। तो मैं सिली पॉइंट पे बैठा हूँ, बॉलर वहां से डाल रहा है, और मैं बॉल डाली, मैं ऐसे बैठे बैठे बहुत ध्यान आना है ये सुअर के बच्चों, इसी तरह चिल्लाता सारे ग्राउंड में। बाहर से मेरे कोच ने मेरा नाम गब्बर डाल दिया, एनर्जी बनी रहती है, एनर्जी एक हंसी मजाक रहता है। भाई जब कोई भी मैच में विकेट गिरती है तो प्लेयर्स एक दूसरे को हाई फाइव करते हैं, एक दूसरे को चीयर्स करते हैं, सुरेश आपको मैंने देखा बाल खींचने लगते हैं लोगों के। ये शादी के बाद सीखा है आपने? नहीं सर, पहले से ही करते थे। एक्चुअली हम लोग साथ में खेलते थे। कुछ प्लेयरों के बाल होते हैं, अभी चेंज हो गया है, किसी के नहीं होते हैं। कटवा दिया कि ये बाल खींचते हैं। नहीं, तो मुझे एक इंसिडेंट याद है कि हम लोग चेन्नई का एक मैच खेल रहे थे IPL का। तो डगी बॉलिंजर एक बॉलर था ऑस्ट्रेलिया का, तो वो बॉलिंग कर रहा था, उसने शायद सौरव गांगुली का आउट किया था। तो जब उसके पास गए सेलिब्रेशन करने के लिए, तो मैंने उसके बाल खींचे, तो पाजी वो सब भारी आ गया, नकली बाल। मुझे पता ही नहीं था। कभी मलिंगा के बाल तो नहीं खींचे आपने? नहीं, मलिंगा के साथ खेले नहीं सर, कंट्री के लिए खेले। खींचना मतलब आपके बाल हाथ फंस जाएंगे उसमें, कुंबराले बाल है उसके। पर एनीवेज, बड़ा मजा आता है आप सबको खेलते हुए, आप गर्व हैं हमारे भारत में। हार्दिक, सुरेश और शिखर तो चलो शादीशुदा हैं, बच्चे भी हो गए, भाभी सामने बैठी हैं। आपकी अभी काफी सिंगल ही चल रहा है काम, वही बाकी हमें पता नहीं। सिंगल ही है, जो चल रहा है वो सही चल रहा है। आप जब बाहर जाते हैं फॉरेन कभी मैच खेलने, तो मैच खेल के उसके बाद सीधा होटल ही आते हैं, कहीं और भी मतलब नहीं, मैं होटल ही जाता हूं। नजरें झुक गई हैं उसकी पूरी तरह से। नहीं, थोड़ा शाय है। शाय होते हैं, लेकिन जब आदमी अकेला होता है जाते बाहर जाते हैं, बाहर जाते हैं तो अकेला जाते हैं कि लवी डवी जाते हैं? अब ये अभी वहां जाके कोई मिल गया तो पता नहीं, जाता तो अकेला।